नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 18 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले रोजगार से जुड़े डेली टॉप 5 वैकेंसीज के लिए आप हमारे नए यूट्यूब चैनल जीओवी पीवीटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने विभिन्न पदों पर निकाली रिक्तियां। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद के लिए कुल मिलाकर 859 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, साथ ही साथ एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 4/2/2021 तक बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन भर सकते हैं, जिसके तहत आप statehealthsocietybihar.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। बिहार के 56 बड़ी सड़कों को किया जाएगा चौड़ा। बिहार के किसी भी कोने से 5 घंटे में पट्टा पहुंचने की योजना पर अमल करने के लिए पथ निर्माण विभाग ने अब तक कई योजना बना ली है। बिहार की सड़कों के चौड़ीकरण का काम जोर शोर से चल रहा है। इसी क्रम में मिली जानकारी के अनुसार बिहार में अब 56 बड़ी सड़कों को चौड़ा करने की योजना बनाई जा रही है। पटना सहित पूरे बिहार में ऐसी 56 सड़कों को चिन्हित कर लिया गया है जो पथ निर्माण विभाग की वृहद जिला सड़कें हैं। इन सड़कों पर अतिक्रमण है तो उसे भी हटाने की योजना हालांकि बनाई जा रही है। इतना ही नहीं, पथ निर्माण विभाग सरकार के 7 निश्चय 2 के तहत सुलभ संपर्क योजना पर भी काम कर रही है, जिसके तहत राज्य भर में 120 बाईपास का निर्माण करवाया जाएगा। बिहार में कोरोना के मिले 200 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 211 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,58,739 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में कुल मिलाकर 107 मामले सामने आए हैं, वहीं भोजपुर में 13 तो बेगूसराय में 11 मामलों की पुष्टि हुई है। पटना में आज से शुरू होगा सघन वाहन जांच अभियान। पटना में आज से एक बार फिर से सघन वाहन जांच अभियान की शुरुआत होने वाली है। नियम तोड़ने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार आज से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत होने जा रही है। इस खास मौके पर पटना सहित पूरे बिहार में लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा, साथ ही सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए सभी लोगों से यह निवेदन किया गया है कि घर से निकलने से पहले अपने सभी कागजात अपने पास रख ले। इतना ही नहीं, कार चालक सीट बेल्ट लगाना ना भूले। बिहार सरकार ने परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी है, साथ ही सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए सख्ती अपनाए जाने का भी निर्देश दिया है। अब मोबाइल ऐप से ले सकते हैं डाक विभाग के डिजिटल सेवाओं का लाभ। आज के जमाने में डिजिटलीकरण को बढ़ावा काफी हद तक दिया जा रहा है। अब इसमें डाक विभाग भी पीछे नहीं है और यही कारण है कि डाक विभाग ने पोस्ट इन्फो नाम का एक मोबाइल ऐप शुरू किया है। इस ऐप के जरिए ग्राहक अब कहीं भी कभी भी डाक विभाग की डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। पटना जीपीओ के चीफ पोस्ट मास्टर रास बिहारी राम ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि इसकी मदद से आप अपने डाक को ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ ही पिन कोड भी एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ पोस्ट की ट्रैकिंग, पोस्ट ऑफिस सर्च, पोस्ट एज कैलकुलेटर, बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर, इंस्टेंट इंटरेस्ट कैलकुलेटर की सुविधा ले सकते हैं। स्पीड पोस्ट, निबंधन पत्र, रजिस्टर्ड पॉकेट, रजिस्टर्ड पार्सल, इंश्योर्ड पार्सल, बिजनेस पार्सल, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर को भी ट्रैक किया जा सकता है। बिहार के 5 जिलों में पथ निर्माण के 7 योजनाओं के लिए फंड को मिली मंजूरी। बिहार में सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए साथ साथ पथ निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्य किए जाने के लिए बिहार के पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने 5 दिनों में पथ निर्माण के 7 योजनाओं के लिए 135.11 करोड़ फंड को मंजूरी दे दी है। मंगल पांडे ने बीते दिन इस बाबत बताया है कि निविदा समिति की बैठक में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान योजना की वित्तीय बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है। जिन जिलों की योजनाओं को मंजूरी दी गई है उसमें जमुई, नवादा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और गया शामिल है। जमुई जिले की 3 योजनाओं के लिए 66.25 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही समिति ने अपनी बैठक में नवादा जिले के कादरगंज से दौलतपुर वाया सिकंदरा सावर हैबतपुर पथ के लिए भी राशि की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा है कि स्वीकृत योजनाओं का काम 9 से 18 महीने के अंदर पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को भी दे दिया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिहार को मिली लगातार 4थी जीत। बीसीसीआई द्वारा आयोजित सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप में बिहार का 4था मुकाबला चेन्नई के श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज के खेल मैदान पर मणिपुर के साथ हुआ, जिसकी जानकारी देते हुए बीसीए मीडिया कमेटी के संयोजक कृष्णा पटेल ने बताया कि बिहार टीम के खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन कर मणिपुर को 9 विकेट से रौंदते हुए बिहार को लगातार 4थी जीत दिलाई है। मिली जानकारी के अनुसार सचिन राठौर, बाबुल और आमोद
के उम्दा प्रदर्शन के बाद बिहार को यह जीत मिली है। इस लगातार चौथी जीत के साथ बिहार की टीम अपने प्लेट ग्रुप में 16 अंक अर्जित कर शीर्ष पर बनी हुई है। बिहार के सलामी बल्लेबाज सचिन राठौड़ ने 34 गेंद पर 51 रन बनाकर अपना शतक पूरा किया और 40 गेंद पर 60 रन बनाकर नाबाद रहे। मैट्रिक और इंटर का फॉर्म नहीं भर पाने वाले भी अब दे सकते हैं परीक्षा। जी हां, बिहार बोर्ड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड पहले ही जारी किया जा चुका है, मगर कुछ परीक्षार्थी इस वजह से परेशान हो रहे थे कि इस बार वो परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो उन्हें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परीक्षा में शामिल नहीं होने देंगी। हालांकि अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत बोर्ड ने उन विद्यार्थियों के लिए अलग से परीक्षा लेने का फैसला किया है जिनकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। बोर्ड इसी साल इस विशेष परीक्षा का आयोजन करवाने वाली है। इस परीक्षा में बैठे छात्रों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने 2021 के मुख्य परीक्षा के लिए पंजीयन कराया था, सेंटअप परीक्षा दी थी और उसमें पास हुए थे, लेकिन किसी कारणवश वो फॉर्म नहीं भर पाए। मिली जानकारी के अनुसार इन परीक्षाओं को अप्रैल से मई के बीच में लिया जा सकता है। एसआई महोदय को रिश्वत मांगना पड़ा महंगा। खगड़िया जिले के पुलिसकर्मी द्वारा रिश्वत लिए जाने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गया है। वहीं एसआई महोदय हरेंद्र पांडे को रिश्वत लेना ही महंगा पड़ गया। मिली जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर वीडियो के फैलने के बाद ही उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार रिश्वत लेने के मामले में हरेंद्र पांडे का नाम सामने आने के बाद संज्ञान लेते हुए खगड़िया एसपी अमितेश कुमार ने गोगरी डीएसपी पीके झा से पूरे मामले की जांच करवाया। जांच रिपोर्ट में रिश्वत की पुष्टि होने के बाद खगड़िया एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआई हरेंद्र पांडे को सस्पेंड कर दिया। भाजपा ने मंत्रिमंडल विस्तार को दे दी मंजूरी। मंत्रिमंडल विस्तार पर लगातार खरमास का ग्रहण लगा हुआ था जो कि अब उतर गया है। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा ने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब भाजपा जदयू के बीच जारी गतिरोध के खत्म होने की संभावना भी जताई जा रही है। आपको बता दें, बीते दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। बंद कमरे में बैठक चली और उसके बाद खबर ये है कि भाजपा ने मंत्रिमंडल विस्तार को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल कोटे से 12 विधान पार्षदों को मनोनयन का मामला अभी सुलझा दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पत्रकारों से कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार की खबर उन्हें दे दी जाएगी। खबरों की माने तो इन दोनों नेताओं का मुख्यमंत्री आवास पर अचानक पहुंचना हुआ, इससे पहले किसी ने भी आधिकारिक रूप से इस बात की जानकारी पहले नहीं दी थी। नीतीश कुमार के पूर्व मंत्री ने एयरफोर्स अथॉरिटी पर लगाए आरोप। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके संजय झा ने दरभंगा एयरपोर्ट का विकास नहीं होने के लिए एयरफोर्स अथॉरिटी पर ही इल्जाम लगाया है, जिसके तहत विकास नहीं होने के लिए दरभंगा एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की तरफ से जमीन का पैसा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को दे दिया गया है, बावजूद जमीन के हस्तांतरण में देरी की जा रही है। इसे एक से अधिक विमानों के लिए जरूरी संसाधनों का विकास करना संभव नहीं हो पा रहा है। अभी केवल एक विमान के अनुसार संसाधनों को विकसित किया गया है। विमान सेवा के विस्तार की योजना के बारे में उन्होंने कहा कि स्पाइसजेट के बाद इंडिगो ने यहां से सेवा देने की तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे की पहल से दानापुर स्टेशन पर अब यात्रियों को मिलेगी राहत। कोविड 19 के कारण ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। संक्रमण को देखते हुए ट्रेन में मिलने वाले बेडरोल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। हालांकि अब भारतीय रेलवे की नई पहल सामने आई है। रेलवे ने दानापुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हेल्थ केयर का दुकान खोल दिया है, जहां पर ट्रेन में सफर करने वाले यात्री कंबल तकिया बेडशीट खरीदकर एसी बोगी में इस्तेमाल कर सकते हैं और आराम से सफर कर सकते हैं, उसके बाद उसे फेंक भी सकते हैं। मिली जानकारी के यह कंबल तकिया बेडशीट पूरी तरह से कोविड 19 को ध्यान में रखकर सुरक्षित बनाया गया है। वहीं कंबल 300 रुपए में उपलब्ध है, जिसे आप सफर करने के दौरान स्टेशन पर हेल्थ केयर दुकान से आसानी से ले सकते हैं। रुपेश के पिता से मिलकर तेजस्वी हुए इमोशनल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इंडिगो के एयरपोर्ट स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह के घर बीते दिन पहुंचे थे, जहां उन्होंने रुपेश के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रुपेश के पिता से भी काफी देर तक बातचीत की। हालांकि मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव काफी भावुक नजर आए। पिता ने तेजस्वी यादव का हाथ पकड़कर उनके सामने कहा कि आपसे ही अब आखिरी उम्मीद है। पिता को ढांढस बांधते हुए तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया है कि वो हर मोर्चे पर रुपेश को न्याय दिलवाने की लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही साथ रुपेश कुमार सिंह के बच्चों को शिक्षा और अन्य मसलों पर भी उन्होंने पिता को भरोसा दिलाया है। हालांकि तेजस्वी यादव इस दौरान सरकार पर निशाना साधते भी देखे गए, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सरकार बड़े लोगों को बचाने में जुटी हुई है और यही कारण है कि अब तक इस मामले में कोई सुराग नहीं मिला है।
बिहार के दरभंगा जिले के होली रजौरी चर्च में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। दरभंगा स्टेशन से दक्षिण की ओर दिग्घी पोखर के पूर्वी छोर पर स्थापित यह गिरजाघर रोमन कैथोलिक संप्रदाय का महत्वपूर्ण पूजा स्थल है। भूकंप में क्षतिग्रस्त होने के बाद 1991 में फिर से इसका निर्माण करवाया गया था। चर्च के बाहर ईसा मसीह का एक प्रतिमा बना हुआ है। दरभंगा में एक प्रोटेस्टेंट चर्च भी है जो लहेरिया सराय में स्थित है। अगर आप यहां जा रहे हैं तो पास में ही 1976 में स्थापित दरभंगा राज परिवार के संकलन से संबंधित महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय भी जरूर जाए। यह संग्रहालय दरभंगा राज परिवार की समृद्धि का सजीव एहसास कराती है। पूर्णिया में आईआईटी गुवाहाटी के डैमेज पुल को हटाए बिना ही बनेगा नया ब्रिज। बिहार में पूर्णिया के नेशनल हाईवे 31 पर डैमेज ब्रिज हटाने की खबर पर पूर्ण विराम लगा दिया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार इस ब्रिज को हटाए बिना ही नए ब्रिज का निर्माण होने वाला है। 60 मीटर लंबा ब्रिज बनाने पर लगभग 13 करोड़ की लागत का खर्च होने का अनुमान लगाया गया है, जिसका डिजाइन आईआईटी गुवाहाटी के इंजीनियरों की तरफ से किया गया है। बायसी दालकोला नेशनल हाईवे 31 दिघी पुल 2017 के विनाशकारी बाढ़ से डैमेज हो गया था। नया पुल बनाने में नॉर्थ ईस्ट जाने वाले लाखों वाहनों का परिचालन प्रभावित ना हो, इसीलिए डैमेज पुल के निर्माण के लिए आईआईटी के विशेषज्ञों से संपर्क किया गया। आईआईटी कानपुर ने के इनकार करने के बाद आईआईटी गुवाहाटी के इंजीनियरों ने पुल का निरीक्षण करने के बाद इसकी डीपीआर तैयार कर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपी थी, जिसके बाद ही इसके निर्माण की सहमति हुई है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। सन 1930 में महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम की यात्रा आज के दिन की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सहयोगी मीराबेन ने 1959 में भारत आज के दिन छोड़ा था। आज के दिन उर्दू के मशहूर लेखक और कवि सादात हसन मंटो ने 1955 में दुनिया को अलविदा कह दिया था। 1997 में आज के दिन नफीसा जोसेफ मिस इंडिया आज के दिन बनी थी। वहीं आज के दिन साल 2003 में हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक और कवि हरिवंश राय बच्चन ने दुनिया को अलविदा कहा था। एनडीए की तरफ से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को बनाया गया एमएलसी का दूसरा उम्मीदवार। बिहार सरकार में पशुपालन विभाग के मंत्री वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को एनडीए की तरफ से विधान परिषद का उम्मीदवार नियुक्त कर दिया गया है। इससे पहले शाहनवाज हुसैन को भी उम्मीदवारी दी गई थी और अब मिली जानकारी के अनुसार मुकेश सहनी को दूसरा उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। इसको लेकर मुकेश सहनी ने एनडीए और खासकर के गृहमंत्री अमित शाह का खास धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री सहनी ने फेसबुक पर अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि देश के गृहमंत्री अमित शाह के भरोसे के लिए धन्यवाद। उन्होंने अभी फोन पर मुझे विधान परिषद के उपनिर्वाचन के लिए एनडीए प्रत्याशी बनाए जाने की सूचना दी है। मुझे इस योग्य समझने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं एनडीए के सभी नेताओं को कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। रुपेश सिंह मामले में सुशील मोदी ने बिहार पुलिस पर जताया भरोसा। पटना के पुनाईचक में इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह के साथ हुए वाक्य के बाद बिहार में जंगल राज की याद आने लगी है। वहीं इस मामले के बाद सरकार अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है और जल्द से जल्द इस पूरे मामले से पीछे जुड़े अपराधियों को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है। इसी क्रम में बयानबाजियों का सिलसिला भी जारी है, जिसके तहत राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें बिहार पुलिस पर पूरी तरीके से भरोसा है। आपको बता दें, उन्होंने उक्त बातें पटना सिटी के मंगल तालाब में बने इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन करने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इस मामले में अपराधियों ने कोई सबूत नहीं छोड़ा है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। देश की संस्था सीबीआई से भी ज्यादा बिहार पुलिस सक्षम है। शूटिंग के लिए श्रेयसी सिंह उतरेगी मैदान में। जमुई के लोग श्रेयसी सिंह को बिहार विधानसभा में अपना प्रतिनिधि मानने लगे हैं। हालांकि श्रेयसी सिंह ने अभी भी शूटिंग की जिद नहीं छोड़ी है और यही कारण है कि बिहार के जमुई से भाजपा से एमएलए बनने के बाद श्रेयसी सिंह ने नई दिल्ली में होने वाली इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली भारतीय टीम में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पर इसका जिक्र किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड जीत चुकी श्रेयसी सिंह की मां पुतुल कुमारी भी सांसद है। नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान श्रेयसी सिंह की भाजपा में आश्चर्यजनक तौर पर एंट्री हुई थी और अब विधानसभा सीट भी कंफर्म हो गई थी, जहां से उन्होंने जीत दर्ज की। लोक जनशक्ति पार्टी में दिखी बड़ी टूट। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लोजपा ने अपने आप को एनडीए से अलग कर लिया था। हालांकि अब लोजपा के अंदर ही बड़ी टूट नजर आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार उनके ही नेता उनके खिलाफ बयानबाजी करने लगे हैं। इतना ही नहीं, बीते दिन तो पार्टी के 27 नेताओं ने लोजपा का साथ छोड़ दिया। सामने आई जानकारी के अनुसार केशव के नेतृत्व में नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया। इसमें 3 जिलाध्यक्ष शामिल है। बताया जा रहा है कि पार्टी के नेता बिहार में एनडीए के साथ टूटने से नाराज थे। अब लोजपा के बागी नेता एनडीए के घटक दलों से संपर्क करेंगे। बागी नेताओं ने साफ कहा है कि जिस दल में उन्हें सम्मान मिलेगा वो उसी दल में शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब तेजस्वी यादव ने डीजीपी पर साधा निशाना। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अब डीजीपी पर निशाना साधा है। हालांकि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी डीजीपी एसके सिंघल की फटकार लगाई थी, जिसके बाद अब तेजस्वी यादव ने भी उन पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा था और जरूरत पड़ी तथा एक महीने में बिहार की स्थिति ठीक नहीं हुई तो मैं राष्ट्रपति से भी इस मामले को लेकर मुलाकात जरूर करूंगा। बिहार की स्थिति भयावह हो गई है। हम हाथ जोड़कर नीतीश कुमार से विनती करते हैं कुर्सी के चक्कर में बिहार के लोगों को बलि नहीं चढ़ाए। बिहार में लोग गाजर टमाटर की तरह काटे जा रहे हैं। बिहार के डीजीपी अपराध रोकने के बजाय आंकड़े गिनवा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद पुष्पम प्रिया चौधरी की बनी नई टीम। खुद को बिहार का भावी मुख्यमंत्री दावेदार बताने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपने आप को बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जनता के सामने पेश किया था। हालांकि चुनाव में उनका प्रदर्शन कुछ खास देखने को नहीं मिला था। वहीं पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए पुष्पम प्रिया चौधरी ने नए सिरे से पार्टी का गठन किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुष्पम प्रिया चौधरी ने अलका सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी दी है। गया जिले के रहने वाली अलका सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है लेकिन उन्हें जीत हासिल नहीं हुई थी। इसके अलावा पुष्पम प्रिया चौधरी ने यह भी बताया कि बिहार प्रदेश इकाई के कार्यकारी उपाध्यक्ष के तौर पर अब्दुल्ला जमाल मलिक काम करने वाले हैं। कुर्था से पार्टी के उम्मीदवार रह चुके अब्दुल्ला जमाल मलिक को प्रदेश में संगठन मजबूत करने की जवाबदेही दी गई है। सक्सेस को लेकर पंकज त्रिपाठी ने जी न्यूज को दिया बयान। हाल ही में बिहार से निकले अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने जी न्यूज के साथ खास बातचीत की है, जिस पर उन्होंने सक्सेस का मंत्र बताया है। बिहार के गोपालगंज के गांव में रहने वाले बॉलीवुड के सबसे प्रॉमिसिंग एक्टर का सफर तय किया है और हर फिल्म के साथ उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ती जा रही है। उनके संघर्ष को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम जो सीखते हैं करते हैं। संघर्ष अच्छा रहा, बहुत ही सुखद रहा। कुछ बनने में समय लगता है, जितना समय लगा उतना सही था, जरूरी था, क्योंकि रातों रात कुछ हो जाता है तो दिमाग को संयमित रखना मुश्किल होता है, दिमाग खराब हो जाता है। मुझे बहुत मेहनत और संघर्षों के बाद सफलता मिली है तो दिमाग जल्दी खराब नहीं होगा या शायद कभी नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को दी नसीहत। रुपेश सिंह मामले के बाद सरकार चौतरफा घिरती नजर आ रही है। अपराध को लेकर हर कोई सरकार से सवाल पूछ रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा बीते दिन पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की थी। संगठन विस्तार को लेकर भी पार्टी जिलाध्यक्ष से बातचीत की। वहीं इस दौरान उन्होंने बढ़ते अपराध को लेकर भी अपना बयान जारी किया है। उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिले इसकी मांग की है। इस तरह की मांग हमने वर्तमान सरकार में कर दी है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। ये राज्य में अपराध बढ़े हैं और सरकार को कहीं ना कहीं इसको लेकर सोचने की जरूरत है। जिस तरह का माहौल है, कहीं ना कहीं विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। शार्दुल ठाकुर के छक्के के कायल हुए वीरेंद्र सहवाग। बीते दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए टेस्ट मैच में शार्दुल ठाकुर ने अर्धशतक लगाया था। मिली जानकारी के अनुसार शार्दुल ठाकुर ने 102 मीटर लंबा छक्का लगाया था, जिसके कायल वीरेंद्र सहवाग खुद भी हो गए हैं। जिसको लेकर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इस भारतीय टीम के साहस को अगर एक शब्द में बयां करे तो एक ही शब्द जहन में आता है, दबंग। बेहद साहसी और बहादुर, अति सुंदर ठाकुर। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा, दोनों गाबा के ढाबा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कैलाश पासवान, राधा श्याम, प्रियंका कुमारी, मनीष मेहरा, श्वेता रॉय, प्रदीप, राहुल मंडल, उजाला चौधरी, अमन राज, श्वेता सिंह, अरुण कुमार, साहिल कुमार, संतोष कुमार, सुनील कुमार महतो, असलम राज, मोहन कुमार, दीपक श्रेष्ठ, अनिश कुमार, रविंद्र पासवान, सुजीत कुमार, मोहम्मद शहजाद, भारती एंटरटेनमेंट, अब्दुल मजीद, ऋतिक कुमार, सूरज यादव, चंद्रभूषण कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के विकास में अब तक कौन से नेता ने सबसे ज्यादा योगदान दिया है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।